सो गाइस आपको पता ही होगा कि मैंने ना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन ऑफिशियल बाय किया है 690 रुपीज़ दे के। तो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना है। और बहुत लोग पूछते हैं कि ना आपने इसको कैसे ना मतलब इसको बाय किया है। मैंने सब लोगों को बताया था मैंने अल्ट वर्ड से अर्निंग करके बाय किया है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कंप्लीट प्रोसेस बता, तो मैं आपको ए टू जेड टोटल बताने वाला हूँ। आप इससे ना मिनिमम डे के ना 10 से 20 अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 आवर में, क्योंकि इसका मैच है ना हर रोज़ शाम को 6 से 10 तक रहता है। तो आपको खाली टॉप 200 में आ जाना और आपका फिक्स हो जाएगा। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको बता दूँ, आप है ना इसको डाउनलोड करते हो, वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। आपको इसे ना 3 तरीके से अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास एक तरीके से नहीं हो तो बाकी 2 तरीके भी आपके, मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे मेन तरीका इसका मैच खेल के, खाली आपको नॉर्मल मैच खेलना है जैसे पबजी में खेलते थे या फ्री फायर या माइनक्राफ्ट में पीवीपी खेलते हो, वैसे ही इसमें खेलना है। पीवीपी टाइप है टीम के साथ। तो मैं आपको दिखा दूँ करना क्या है। सबसे पहले ना आपको इस पर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देख सकते हो नीचे फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है। ये है ना, पता है क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप है ना विन करते हो आपका कूपन तो आपके व्हाट्सअप पे ही आता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप खेलते रह जाओगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग मेरे से कह रहे थे हमको नहीं मिल रहा है, तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करना। और एक और चीज़, जैसे ही आप विन करोगे तो कम से कम 48 आवर लगेगा आपको मिलने में, तो आपको उतना वेट रखना है। और दूसरा जो है वो रेफर्स है, आपके पास सपोज़ 2-3 फ़ोन है, 5 फ़ोन है मतलब आपके घर में आपके दोस्त या फिर दूसरे का, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। 5 है ना रेफ़र के टोटल 50 रुपये मिलेगा आपको। आपको याद रखना है आप रेफ़र करोगे तो वो डाउनलोड करेगा और फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा, तभी आपका काउंट होगा रेफ़र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप है ना मतलब फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करना, क्योंकि सारे के सारे कोड है ना उसी पे आते हैं। तो आपको ज़रूर वेरीफाई करना है, जैसे कि मेरे यहाँ पे 6 देख सकते हो, मेरे यहाँ पे 6 रेफ़र है, तो 6 का ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ हो गए। और 20 कर दे तो मतलब आपके आसपास बहुत लोग हो गए जो ये गेम नहीं खेलते, लेकिन उनके फ़ोन में आप डाउनलोड करवा सकते हो लिंक से और आप फ़ायदा कर सकते हो। मैंने आपको मेरा है ना रेफर कोड डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, खाली डाउनलोड कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो। रेफर कोड आप डालो ना डालो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। और इसका कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा एक तरीके से, मैं ना बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना इससे अर्न किया है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सच में अर्निंग आती है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मतलब स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भाई मैंने इतना अर्न किया है, और एक बंदे ने तो 210 रुपीज़ अर्न किया, वो भी 3 से 4 आपको पता नहीं, याद नहीं है कितने दिन में, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अल्टवर से अर्न कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये इंडियन गेम है और ये रियल में मनी देता है, ऐसा नहीं कि मैं खाली ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने ना ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए जिसके अंदर मैंने आपको प्रूफ दिया है, तो आप वो सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अभी ना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप है ना अगर रेफंड नहीं कर सकते या फिर आप है ना मतलब इसमें टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, मैं आपको बताता हूँ कि आप है ना क्या कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लेजर टैग है, आपको ये खेलना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो लगा के रखा है, मतलब बना के रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें ना पता है क्या करना, आपको है ना हर रोज 6 बजे से लेकर 10 PM रात को, मैं रात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैच होते हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। कोई टूर्नामेंट नहीं है, आप डेली वाला कर सकते हो, जिसपे देख सकते हो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिखेंगे। तो आपको पर डे ना मिनिमम 10 रुपीज़ मिलेगा, तो आप इजीली 2 मंथ में ना 600 करके माइनक्राफ्ट बाय कर सकते हो। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 रुपीज़ कम लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 10 रुपीज़ मैंने कहा था, मैक्सिमम आप 200 मतलब सिर्फ 3 घंटे का मैच होता है, 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे का मैच होता है। और अगर आप उसमें रैंक कर गए तो आपको 10 से लेकर 200 मैक्स मिलता है। और अगर आप वीकली है ना चैंपियन बन गए, मतलब वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बन गए तो आपको 500 बोनस मिलेगा हर वीक, मतलब सही चीज़ है ना। और मतलब मैं है ना अभी तक कभी भी है ना 500 अर्न तो नहीं किया था एक ही बार में बोनस, लेकिन 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे करके मुझे काफ़ी सारे मिले, तो वो मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि हाँ वो मिलते हैं। 500 तो अभी तक मेरे को मिले नहीं, जब मिलेंगे तब मैं दिखाऊंगा। वैसे मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मैं टूर्नामेंट में एकदम हाई लेवल पर रैंक कर जाऊँ, बट अगर आपको है ना अगर पीवीपी अच्छा है, आप गन से अच्छा खेल पाते हो, तो आप इसको ट्राई करना। आप इसमें स्क्विड गेम और बीच या फिर फाइंड योर क्रश, मतलब बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ना गेम्स हैं, आप इसके अंदर यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हो, गेम के अंदर यूट्यूब कुछ भी वीडियो देख सकते हो। तो अभी मैं आपको लेजर टैग में दिखाता हूँ, आपको 6 बजे से 10 बजे तक रात को, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब रात को लोग फ्री होते मोस्ट ऑफ, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेजर टैग को लोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको है ना इसको कैसे खेलना है। सबसे मेन चीज़ तो आपको आपका है ना नंबर वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो, फ्रेंड के साथ खेलोगे, टाइम पास भी करोगे, वॉइस चैट भी करेगा, जिससे कि ना आपको मज़ा भी आएगा। तो ये देख सकते हो मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना 3x3 मतलब ज़्यादा लोग नहीं, 3 अपोजिंग टीम में 3 आपके टीम में, कभी कभार 2 आपके टीम में और अपोजिंग टीम में 2, ऐसे करके मैच होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 प्लेयर ऊपर लिखे, और ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, खाली आपको दूसरे का ना रिएक्टर फोड़ना है। और इसमें 2 टीम होती है, एक ब्लू कलर की एक पर्पल कलर की, जिसको हाइड्रा टीम बोलते हैं और मैग्मा बोलते हैं। देख सकते हो आपको ना सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है अपोजिंग टीम का।
तो यहाँ पे ना आपको प्रिपेरेशन टाइम मिला 1 मिनट का, तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना हो रहा है ना, आप देख सकते हो आपके टीम में कौन है, अपोजिंग टीम में कौन है। तो यहाँ पे ना मैं आपको मैच स्टार्ट होने के बाद मिलता हूँ। तो यहाँ पे आप है ना देख सकते हो रूल भी सारे के सारे लिखे, आपको प्लेयर को मारना या फिर आप है ना जो सबसे पहले 25 पॉइंट करेगा वो जीत जाएगा। जैसे कि TDM में पहले 40 किल करते हैं वो जीतते हैं, कुछ उसी तरीके का है। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको है ना टाइम टाइम पे चेक करने का, गन आते तो आपको एक पावरफुल गन ले लेना है। तो ये हमारा मेंबर है ना फाइट कर रहा है यहाँ पे। अरे यार मेरे ना थोड़े निशाने खराब है, तो ये है ना क्या है कि मैं इसमें बहुत मुश्किल से रैंक करता हूँ क्योंकि मैं इतना PvP में अच्छा नहीं हूँ, गन के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। माइनक्राफ्ट खेलता हूँ मैं, मैंने कभी पबजी फ्री फायर खेला नहीं तो मैं कह नहीं सकता कि मैं अच्छा हो या नहीं। तो मैं इसको अभी ठोक दिया बहुत सी, अभी एक लास्ट है तो मुझे इसको ठोकना है 1 मिनट। मैं मतलब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आपको खाली रिएक्टर फोड़ना है, देख सकते हो यहाँ पे जो रिएक्टर है आपको इसको फोड़ना है। तो मैं इसी के ऊपर अटैक करता हूँ और आपको एक जगह पे खड़े नहीं रहना वरना एनिमी बहुत इजीली आपको मार देगा। देख सकते हो यहाँ पे ना एक रिएक्टर में 6 प्लेट होते हैं, आपको 6 के 6 प्लेट उड़ाने हैं। तो मैंने 3 उड़ा दिया, 3 बाकी है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से स्पॉन हो चुका हूँ, कुछ सेकंड में आप स्पॉन हो जाते हैं। तो अभी है ना मैं चलता हूँ, आपको देख सकते हो ये है ना मेरा रिएक्टर, इसको बचाना है। आप चाहो जो सबसे पहले 25 पॉइंट करता है वो जीत जाएगा, आप रिएक्टर बचाओ या ना बचाओ। तो पहले है ना मैं इसको निपटाता हूँ, वो केक को निपटा दिया और एक ऊपर चला गया। तो एक काम करता हूँ, वो नीचे आएगा तो मैं ना दूसरे डायरेक्शन से चला जाता हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि मेरा एक टीम मेंबर है ना बीच में मैच छोड़ के चला गया, ऐसा भी होता है मैच छोड़ के भी जाते हैं मेंबर, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने उसका रिएक्टर फोड़ दिया, अभी मुझे भागना है, मैं अकेले ही जीत सकता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके यहाँ पे ये लोग है ना मुझे मार रहे, तो इनको मैं पहले ठिकाने लगाऊँ। ओके क्लोज, अरे यार मेरे निशाने क्यों नहीं लग रहे, पता नहीं कि मेरे स्क्रीन पूरा हिल गया था। तो पहले ना मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके मार दिया, अभी ये लास्ट बचा है तो उसको मेरे को मारना पड़ेगा। अरे यार उसने मुझे ही मार दिया, चलो कोई नहीं यार, अभी मैं दोबारा से स्पॉन हो जाऊँगा बहुत जल्दी से। तो अभी ना मैं ये मैच तो इजीली जीत जाऊँगा जहाँ तक मुझे पता है, मेरे 4 पॉइंट से मैं आगे चलो कि यहाँ पे आ रहे। तो यहाँ इनको मारो ना मारो फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली रिएक्टर पे ध्यान देने का। रिएक्टर फोड़ोगे ना आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, 5 या 6 मिलते हैं लगभग, मैंने कभी अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया है। तो फटाफट से मैं इसका रिएक्टर फोड़ दे रहा हूँ और देख सकते हो अभी सिर्फ 2 प्लेट बचे और ये लास्ट की एक लास्ट प्लेट ऊपर देख सकते हो कुछ, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, देख सकते हो मेरा एक बंदा चला गया, मैं उसको प्लेट बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा है, इसको एक मिनट, इसके हाथ में गन क्यों नहीं है? ए डोंट टेल मी कि ये टीम अप, अरे टीम अप करने है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई बंदा टीम अप करने है मेरे को। मतलब काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर लोग ये गेम खेल रहे और अर्न कर रहे हैं बहुत से, इससे मेरे को, अरे ये गॉड गेमर तो नहीं है ना, मतलब गॉड गेमर जो हमारे माइनक्राफ्ट में बहुत तगड़े तगड़े बिल्ड बनाते हैं, ये वही लग रहा है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में ना गॉड लिखा है शायद से, ये वही लग रहा है। ओके मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो बनाते समय कोई मिल जाएगा सब्सक्राइबर। ठीक है 1 मिनट, इनका वॉइस बंद है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने बंद रखा या फिर मैंने बंद रखा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो माइक चालू है देख सकते हो, तो मुझे सुनाई देना चाहिए। और ये डांस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे डांस करने का ऑप्शन भी आता है क्या, मुझे तो आज पता चला। ओके हेलो भाई, मतलब बात तो नहीं कर पाएंगे फिर भी, ये क्या कहना चाहते इतना तो मुझे पता है, मतलब ये मतलब फाइट नहीं करना चाहते नॉर्मल। ओके देख सकते हो इनका वो जो दोस्त है मतलब जो पार्टनर है वो तो लड़ाई करने में लगा है, वो मेरा रिएक्टर अभी भी फोड़ रहा है। तो इसको मैं मारना तो नहीं चाहता यार, ये टीम अप करने है, एक नहीं मार रहा लेकिन दूसरा मार रहा है, समझ जाए यार नहीं मारना तेरे को, मैं ट्राई कर रहा हूँ बचने का बट ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं गया काम से। मतलब सही है यार, ठीक है मज़ा आ रहा है, आप लोग मेरे साथ भी खेल सकते हैं अगर इन्जॉय करना हो तो, वापस से कह दे रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है। वैसे आप चाहो तो दूसरों को रेफर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड, या फिर मैं ना नॉर्मली बोलूँ तो आपको टूर्नामेंट खेलना है, टूर्नामेंट या फिर ये डेली खेलना है जो भी ये आता है, इसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा बट ये आपको खेलना है, इससे आपको अच्छे खासे कूपन कोड मिलेंगे।